आपने अभी तक यह सुना है कि भगवान बुद्ध अपने उपदेश के माध्यम से लाखों लोगों का जीवन बदला, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जीवन कैसे बदला और उनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? यह बात उस समय की है जब भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात भी बुद्ध को कोई लाभ नहीं हुआ। समाधि की 8 अवस्था होती है। गौतम बुद्ध उन सभी अवस्था को प्राप्त कर लिए थे, मगर फिर भी वह जानते थे कि यह जीवन की संपूर्णता नहीं है। उनके अंदर अब भी ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा थी। जब सारे उपाय बेकार गए, तब उन्होंने अंतिम मार्ग का सहारा लिया, जिन्हें समाना कहते हैं। समाना साधकों का मूल पहलू यह है कि वह कभी भी भोजन मांग कर नहीं खाते। अगर भोजन मिला तो उसे ग्रहण करते हैं, अन्यथा वह भोजन नहीं मांगते, केवल कठोर तप करते हैं। गौतम बुद्ध ने इसे इतनी कठोरता से अपनाया कि उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि जीवन के नाव पर बस उनकी श्वास ही चल रही थी। फिर एक दिन गौतम बुद्ध निराश होकर सोचने लगे कि मैंने अभी तक कुछ नहीं प्राप्त किया। गौतम बुद्ध यह सोच रहे थे तभी कुछ स्त्रियां गौतम बुद्ध के समीप से गुजर रही थी। वह सभी स्त्री संगीत गाने वाली थी। वह आपस में चर्चा करती हैं कि वीणा के तार इतने अधिक ना कसो और इतना अधिक ढीला भी मत छोड़ो कि मधुर स्वर ही ना निकले, बस उसे मध्यम में कसो। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कठोर तपस्या का मार्ग त्याग दिया और युक्तिपूर्ण संयमित होकर आहार ग्रहण करते हुए मध्यम मार्ग को अपना लिया और उस बोधि वृक्ष के समीप जाकर बैठ गए और ध्यान में लग गए। पूर्णिमा का चंद्र उग रहा था। भगवान बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। आशा करता हूँ कि गौतम बुद्ध के जीवन की यह छोटी सी कहानी आपके लिए प्रेरणादायक हो और आपका जो भी लक्ष्य हो आप उसे प्राप्त करें। धन्यवाद।